सत श्री अकाल दोस्तों जी, थोड़ा स्वागत है मेरे चैनल पर। अज गल करांगे रॉयल्स रॉयस बारे। जिमें कि तुसी इस कंपनी बारे जानते हो, अज रॉयल रॉयस रिलेटेड तुहानू मैं इह जिहियां चीज़ां दसांगा जिस नाल तुहानू सुन के हैरानी भी होवेगी, इस दी महंगी कीमत अते लग्जरी होण दे पिछे दे सच दा पता भी लगेगा। तुहाडे भी मन विच होवेगा कि रॉयल रॉयस अक्सर करोड़ों में ही क्यों मिलती है, तो ये गड्डी इन्नी किन्नी क लग्जरी है जिस करके इसकी कीमत करोड़ों में है। नाल ही इस गड्डी यह जहा की है जिस लई इसका कंफर्ट लैवल बहुत ही ज़्यादा है, ये मार्केट में होर किसी भी कंपनी के नेड़ तेड़ ना हो के इन्नी महंगी क्यों है। सो ये सारे कन्फ्यूजन मैं थोड़ा इस वीडियो क्लीयर करांगा। इस विच केड़ा इंजन आता है, किदां दा परफॉर्म करता है, इसका कंफर्ट लैवल, इस दे मार्केट विच की प्रोडक्ट आ रहे ने, अते नाल दी नाल उन्हां गल्लां बारे भी कन्फ्यूजन क्लीयर करांगा जो इस रिलेटड बनिया हुई ने। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए हुण आपां इह वीडियो शुरू करन लगे हाँ। इह जिहियां होर इंट्रस्टिंग वीडियोज़ देखण लई तुसी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो, तो जे वीडियो चंगी लगे तो इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करो। सो थोड़ा ज़्यादा समा ना लेंदे हुए हुण आपां शुरू करते हाँ अज दी वीडियो नूं। चलो जी, चार्ल्स रॉयस अते हैनरी रॉयस। चार्ल्स रॉयस एक इंजीनियर सन जो कि इंग्लैंड दे सन, अते हैनरी रॉयस जो कि एक इंग्लैंड विच कार डीलरशिप दे मालक सन, ने 1904 विच रॉयल्स रॉयस नूं शुरू कीता सी। अते बाद विच इस नूं 1980 विच इंग्लैंड दी डिफेंस कंपनी विकर्स ने खरीद लिया सी। जिवें कि तुसी देख सकते हो कि रॉयल्स रॉयस दा नाम इन्हां दोवां दे सरनेम चार्ल्स रॉयल्स दे सरनेम अते हैनरी रॉयस दे सरनेम तो ही पिया सी, जिन्हां ने 1904 विच कंपनी नूं बनाया सी अते शुरू कीता सी। 1980 विच जदों इंग्लैंड दी डिफेंस कंपनी विकर्स ने इस नूं खरीद लिया सी तां उस तों करीब 18 साल बाद 1998 विच वॉल्सवैगन ते BMW दोवें कंपनियां ही रॉयल रॉयस नूं खरीदना चाहुंदियां सन, क्योंकि BMW तो पहला ही इसनों इंजन अते होर पार्ट्स सप्लाई भी करती सी। तो ये कारण करके 1998 तो लैके 2003 दे विच रॉयल्स रॉयल्स नूं खरीदण लई लैके इन्हां दोनों कंपनियों विच बहुत विवाद चलिया, तो अंत 2003 विच आपसी समझौते नाल BMW ने इसनों खरीद लिया। BMW दे इसनों खरीदण तो बाद गुडवुड इंग्लैंड विच इसका वड्डा प्लांट खोलिया, सब नूं पहलां 2003 विच अपने पहले प्रोडक्ट रॉयल रॉयस फैंटम नूं लॉन्च किया जो कि काफ़ी हद तक प्रसिद्ध होया। 1904 विच हैनरी अते चार्ल्स ने इसनूं शुरू तो कर लिया, पर उन्होंने सिर्फ एक रॉयल रॉयस 10 HP गड्डी बनाई सी जिस बारे लोगों को कुछ खास नहीं पता सी, ना ही उदों तक लोगों को यह पता थी कि इस कंपनी दी गड्डियां किन्नियां वधिया होणगियां। पर 1907 विच लॉन्च हुई सिल्वर घोस्ट ने सारे रिकॉर्डां नूं तोड़ दिता, क्योंकि इस गड्डी ने ग्लासगो तो लैके लंडन दे विच 27 चक्कर लगाए जो कि आम तौर पर 23,127 किलोमीटर का सफ़र बनता है, तो वह भी बिना रुके हुए। इस करके इस गड्डी नूं विश्व दी सबनों वधिया गड्डी का खिताब मिलिया अते इसने होर भी कई खिताब जीते। इस गड्डी नूं वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ नॉन स्टॉप मोटर रन दे खिताब नाल भी निवाजिया गया। हुण तुहानूं दसदे आं वी तुसीं वी सोचदे होगे वी कि इह गड्डियां च की खास है जो इह करोड़ां दियां हुंदियां। सब नूं पहलां गल इह है जी, इह गड्डियां खास होण दा कारण है वी जिवें बाकी गड्डियां नूं रॉबोट्स अते होर मशीनस नाल तैयार कीता जांदा है, रॉयल रॉयस कंपनी दियां गड्डियां हैंडमेड हुंदियां ने जिन्हां नूं के हाथ नाल बनाया जांदा है।
ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 4 ਰੋਬੋਟਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਲ ਸਕਿਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ 100 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈਦਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਦਰ 10 ਦਿਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੈਪ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 14 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ, ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 40,000 ਕਲਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ। 40,000 ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਡਿਊਲ ਟੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ 5-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਟ ਹੀ 45 kg ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਚਮਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਲੇਅਰਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦਾ ਵੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 45 kg ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰੰਗ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਚ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਚ ਲਾਈਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕੋਟ। ਅਤੇ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਕੋਚ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੋ ਮਾਰਕ ਕੋਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਲਸ ਰੋਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੀਂਦਾ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
रॉयल रॉयस की विलक्षणता का पता लगता है। हुण गल करदे आं स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी की, जो कि तुसी आम ही रॉयल रॉयस गड्डियां दी बोनट ते लग्या लोगो देखिया होवेगा। दरअसल ये एक निशानी है प्यार दी, जो कि प्यार निशानी है। योहन वॉल्टर जो कि एक मशहूर मैगजीन कार मैगजीन दे एडिटर सन अते उन्हां दी सैक्रेटरी थॉल्टर, उन्हां दोवां दे लव दी निशानी है। ते आम तौर ते इह लोगो तुहानूं रॉयल रॉयस दीआं गड्डियां दे बोनट दे उत्ते मिलेगा। अते इह लोगो बोनट दे विच ही रहिंदा है। ये जब तुसी इग्निशन ऑन करोगे उदों ही बोनट तो बाहर आउंदा है, ते तुसी इसनू छेती चुरा भी नहीं सकदे, क्योंकि जदों ही तुसी इसनू टच करोगे तो यह बोनट दे अंदर चलिया जाएगा ते इग्निशन ऑन ते यह बाहर आएगा। जे गल करिए रॉयल रॉयस दे कैबिन बारे तो यह बहुत ही आरामदायक अते साइलेंट मनिया जाता है। ये इन्ना कि साइलेंट होंदा है कि इस विच लगे कलॉक की टिक टिक भी तुहानू आसानी नाल सुन जाएगी, होर किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती इस दे कैबिन विच। अते नाल ही इस दे टायर भी बहुत शानदार अते साइलेंट होंदे हन, जो रोड ते जांदे वक्त भी ज़्यादा आवाज़ नहीं करदे। अते एक इस विच पावर कंप्यूटर लग्या होंदा है, जो कि इस दे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नूं दूजियां गड्डियां दे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नूं अलग बनाउंदा है, और टोटल पावर जनरेट करके तुहानूं दिखाउंदा है गड्डी ने किन्नी पावर जनरेट कीती अते इस दे चलन विच इसकी किन्नी पावर लगी, अते सारा कुछ तुहानूं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ते मिल जाता है। रॉल्स रॉयस गड्डी विच तुहानूं 8 स्पीड गियरबॉक्स के नाल ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। आम तौर पर इस विच मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आता, इस विच 8 स्पीड गियरबॉक्स नाल आटो ट्रांसमिशन ही आता है। पर इस दे नाल तुहानूं GPS एडिड ट्रांसमिशन भी मिल जाता है, जिसनों कि आप गैट कह दें GAT। ये ट्रांसमिशन इन्ना कि इंटैलीजेंस हुंदा है कि गड्डी अपने आप ही पता लगा लेंदी है कि रोड ते कित्थे अगे मोड़ आ रहा है, अते किस रोड ते किन्नी स्पीड रखनी है, अते किस रोड ते किन्ना ट्रैफिक है या नहीं है, जो कि अपने आप विच इसनूं बहुत विलक्षण बनाउंदा है। क्योंकि आम तौर ते हले किसी भी गड्डी विच अजिही फीचर्स नहीं आउंदियां, इस करके रॉयल रॉयस नूं सब तो विलक्षण मनिया जाता है। रॉयल रॉयस विच तुहानूं ड्राइवर अते दूसरी साइड अंबरेला होल्डर मिल जाते हैं, जो कि अंबरेला रखने के काम आते हैं। अते नाल ही इन्हां दे एक बटन लग्या होंदा है, जो कि अंबरेला जे गिला होवे उसनूं सुकाउ अंदर हीटर अते कूलेंट लग्या होंदा है, जो कि उसनूं सुकाउण ते फ्रैश करन विच मदद करदा है। ये भी रॉयल रॉयस विच एक ही विलक्षण खूबी है, जो कि सारियां गड्डियां जो अपने आप विच एक पहली खूबी है। इसका ट्रांसमिशन GPS एडिड होण करके एक ये भी फायदा करता है कि जिथे ट्रैफिक ज़्यादा आवे ये खुद ही डिटेक्ट कर लेंदी है, तो उस हिसाब नाल ही अपने गियरां नूं आप शिफ्ट करदी है। ये भी एक बहुत ही विलक्षण अद्भुत चीज़ है, जो आम तौर पर किसी भी कार विच नहीं आती, पर इस विच जरूर आती है। हुण गल करते हैं इस दे लोगो बारे। रॉयल रॉयस दीआं गड्डियां दे टायरां विच इसका लोगो दिता हुंदा, जिस बारे ये बहुत ही स्पैशल गल है कि गड्डी चाहे किन्नी भी तेज़ होवे ये टायरां दे घूमण दे बावजूद भी सीधा ही रहिंदा अते इसकी शेप बदलती नहीं। जिवें आम तौर पर टायर घूमदा तां हरेक लोगो उल्टा या सीधा हुंदा, पर इसका लोगो सीधा ही रहिंदा, जो कि कंपनी की चढ़ती कला का प्रतीक है अते इस दे अगे वधण दा इशारा करता है। गड्डी चाहे जिन्नी मर्जी तेज होवे पर इसका लोगो बिल्कुल सीधा ही रहिंदा अते जरा जिहा भी मूव नहीं करता। रॉयल रॉयस दे गेट भी बहुत भारी होंदे हन,
जो कि बटनां नाल ही खुलदे अते बंद हुंदे हन। हुण गल करदे हां रॉयल रॉयस दी एशट्रे बारे। जे तुसीं इस विच सिगार जां सिगरेट दी ऐश रखदे हो तां इक वार इस नूं यूज़ करके तुसीं जदों दोबारा इस नूं खोलोगे तां इह तुहानूं आटो क्लीन मिलेगी। रॉयल्स रॉयस कलिनन SUV जो कि उन्हां दा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, एक बहुत ही वधिया SUV है। एक पहली SUV है जिस विच आपां नूं ऑल व्हील ड्राइव मिलता है ते इस विच काफ़ी सारे मोड्स भी मिलते हैं अते स्पोर्ट्स अते ऑफ रोडिंग मोड भी मिलता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपां इस नूं एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग लई यूज़ कर सकते हैं। पर इस कार की विलक्षण गल एक ये जरूर है कि जे आपां इस दी ऑफ रोडिंग बटन यूज करते हाँ तो इसकी सस्पेंशन 1.5 मीटर उपर वल नूं उठ जाती है, जो कि अपने विच एक पहली खूबी है जो रॉयल रॉयस वालियां ने दिती है। अते रॉयल रॉयस कलिनन पहली गड्डी है जिसनूं कि SUV दी शेप दिती गई है। आम तौर पर ज़्यादा रॉयल रॉयस वालों कार्स नूं ही बनाया गया है, पर ये इन्हां दा पहला प्रोडक्ट है जिसनूं कि SUV दी शेप दिती गई है। अते इस दे विच काफ़ी ज़्यादा खूबियां हन जो कि मैं तुहानूं दस ही दित्तियां कि अपनी सस्पेंशन नूं 1.5 मीटर तक उपर उठा सकती है। रॉयल रॉयस विच आपां नूं 18 स्पीकर का सैटअप मिल जाता है जिसका कि म्यूजिक रॉयल रॉयस स्टाफ ने बहुत ही मेहनत नाल प्रोड्यूस किया हुंदा है। इस विच आपां नूं नाइट विजन भी मिल जाता है जो कि अंधेरी रात विच ब्लाइंड स्पॉट्स ते रात दी विजन नूं बधाउण विच काफ़ी मदद करता है। इस वक्त रॉयल रॉयस दे 5 प्रोडक्ट बाजार विच चल रहे हैं जिन्हां विच फैंटम, घोस्ट, रेत, कलिनन अते डॉन। ये 5 प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल अते कॉस्टली ने। हुण जे गल करिए इस विच मेन वाले इंजन की, तो इस विच आपां नूं V12 पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि आम तौर पर 563 to 624 BHP की पावर अते 820 to 900 NM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अते हरेक मॉडल लई सेम इंजन नूं अलग अलग तरह नाल ट्यून किया गया है। अते इह इंजन लगभग 4,500 तों लैके 10 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दिंदा है। रॉयल रॉयस दीआं गड्डियां टॉप स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होंगी है। नाल ही ये गड्डिया के विच लगे मटीरियल ते कंफर्ट लैवल नाल कोई भी समझौता नहीं किया जाता। तकरीबन इस करके ये गड्डिया बहुत भारी होंदियां ते नॉर्मली इन्हों का वेट 2400 to 2500 किलो तो लैके 2700 के बच्च हुंदा है, जो कि अपने आप विच बहुत वड्डी गल है। अते बहुत भारियां होंदियां अते नाल ही इस विच जो डिग्गी मिलती है उस विच आपां नूं तकरीबन 450 तो लैके 550 दा लीटर दा बूट स्पेस मिल जाता है। अते जे हुण गल करिए इन्हां गड्डियां दी कीमत दी, तां रॉयल रॉयस दीआं सारीआं गड्डियां दी कीमत जिवें कि आपां नूं पता ही है बहुत प्रीमियम है। सो इन्हां दी कीमत तकरीबन तौर पर 5.5 करोड़ तो शुरू हो के 11 करोड़ दे विच हो जाती है, जो कि अपने आप विच बहुत ही प्रीमियम ते सब नूं महंगी कीमत है। पर जे आपां गल करिए इन्हां दी कीमत दी जस्टिफिकेशन दी, ओह ये है कि जे ये गड्डियां इन्नियां महंगी हन तां इन्हां दी बनावट अते सोहणेपण विच भी कोई समझौता नहीं किया जाता। दुनिया दीआं सब नूं महंगीआं चीज़ां इन्हां गड्डियां दी बनावट वेले इन्हां विच लाईआं जांदीआं। सो दोस्तों
ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਰੋਇਲ ਰੋਇਸ ਬਾਰੇ। ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।